हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं राजीव मोशन डिज़ाइनर यूट्यूब चैनल और मैं राजीव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आफ्टर इफेक्ट के इस वीडियो में सीखेंगे हम टेक्स्ट जूम आउट। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये हमने आफ्टर इफेक्ट खोला हुआ है दोस्तों। ये हमने यहाँ पे हम राइट क्लिक करके न्यू कंपोजिशन लेंगे दोस्तों। ओके करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम एक सॉलिड लेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू पे जाएंगे, यहाँ पे जाकर सॉलिड क्लिक करके यहाँ से हम सेलेक्ट करके कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं अपने अनुसार। तो हमने ये कलर सपोर्ट चूज़ किया है। ओके कर दिया। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद हम टाइप करेंगे कुछ। टाइप करने के लिए हम यहाँ टी पे प्रेस करेंगे और यहाँ पे प्रेस करेंगे। हम टाइप करते हैं जैसे राजीव मोशन डिज़ाइनर, कंट्रोल, इसको कंट्रोल ए करेंगे। यहाँ से हम सेंटर कर लेंगे, ऐसे सेंट्रलाइज हो जाएगा ये। उसके बाद हम अलाइन में जाएंगे, यहाँ से अपोजिशन के सेंटर में कर लेंगे दोस्तों। अब स्टेप पे हम राइट क्लिक करके लेयर स्टाइल में जाकर ड्रॉप शेडो पर क्लिक करेंगे, तो कुछ ऐसा ड्रॉप शेडो जैसा आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दिख रहा है दोस्तों। इस पर हम डिलीट करके इसमें हम डबल क्लिक करके थोड़ा सिलेक्ट करेंगे और इसका थोड़ा साइज़ हम बढ़ाएंगे दोस्तों, ऐसे इस तरीके से बढ़ा लेंगे साइज़। ठीक है दोस्तों, और इसका भी गैपिंग थोड़ा सा कम कर देते हैं हम। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको पे लगाएंगे स्केल। टेक्स वाली लेयर हमने सेलेक्ट किया हुआ है, प्रेस प्रेस करेंगे तो स्केल आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने किया क्लिक। ठीक है दोस्तों, और अब हम फ्रेम 3 पे जाएंगे और यहाँ से इसको स्केल करेंगे दोस्तों, ऐसे जितना हो सके उतना कर लो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और इसको हम 3D लेयर में कन्वर्ट कर देंगे दोस्तों। यहाँ पे ये है ना 3D का ऑप्शन, यहाँ पे हम ऑन कर देंगे और ये ब्लर, मोशन ब्लर भी हम ऑन कर देंगे यहाँ से और यहाँ से, और ये 3D का है इसको। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखेंगे दोस्तों। ये अभी स्लो जा रहा है क्योंकि हमने कुछ ज़्यादा समय का ले लिया, तो हम कम समय का लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, ये तो अभी जूम इन हो रहा है लेकिन हमें करना है जूम आउट। तो उसके लिए हम इन दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, की असिस्टेंट की फ्रेम असिस्टेंट में जाएंगे और टाइम रिवर्स की फ्रेम कर देंगे, तो ये अपोजिट हो जाएगा दोस्तों। अब देखेंगे दोस्तों, ये थोड़ा स्लो आ रहा है, हम थोड़ा सा लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, एक बार और हम देख और क्लोज कर लेते हैं और देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जूम आउट इफेक्ट इतना इजी तरीके से हमने ये एक जूम आउट इफेक्ट तैयार किया है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जूम आउट इफेक्ट रेडी है। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम और नए वीडियो बनाकर आपके सामने पेश कर सकें। धन्यवाद।